हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जोश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग देखेंगे वुडन वॉल सिल्प्स की। इसे मंगाया है मैंने अमेजन से और इसकी प्राइस मुझे पड़ गई है अराउंड लगभग 1500। तो यदि आप भी इसे लेना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं अपने घर को, अपने लिविंग रूम्स को या किसी भी रूम के वॉल को यदि आप सजाना चाहते हैं तो इस वुडन वॉल सिल्प्स को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स वगैरह लगा सकते हैं, काफी अच्छा दिखेगा आपके लिविंग रूम या वॉल को, यह काफी आकर्षक लुक देगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आप चाहते हैं अपने घर को सुंदर बनाना तो आप यह वुडन वॉल सिल्प ले सकते हैं, काफी अच्छा है। वैसे इसकी जो है अलग अलग शेप्स आती है। वैसे फ्रेंड्स, आज की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है इसके अंदर हम रेक्टेंगल शेप की वुडन वॉल सिल्प की अनबॉक्सिंग करेंगे, बट आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस के बैकग्राउंड में देखा होगा वहां पर हमने हेक्साडायगोनल शेप के वुडन वॉल सिल्प्स यूज किए हैं। तो यह आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी वुडन वॉल सिल्प लेना चाहते हैं। दोनों भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। वैसे तो फ्रेंड्स, यह प्रोडक्ट काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन में आती है, तो आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि आपके वॉल की कलर कौन सी है, उसके हिसाब से ही कलर कॉम्बिनेशन करते हुए आपको यह प्रोडक्ट की कलर लेनी है। ओके, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लें तो कम से कम दो सेट जरूर लीजिए। एक सेट की कीमत आपको लगभग 900 रुपया पड़ेगी, जब भी यदि आप दो सेट लेते हैं तो लगभग 1500 रुपये में आपको दोनों सेट आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी हद तक आपको अच्छा मिल जाएगा यदि आप दो कलर का लेते हैं, एक डब्बा एक कलर का और दूसरा डब्बा दूसरे कलर का, और तीसरा जो आपको वाल का जो कलर मिलेगा वो वाल का कलर आप तीसरा रहेगा। इसके बाद जो भी आइटम आप वहां पर लगाएंगे तो तीनों की कलर कॉम्बिनेशन के साथ उसकी मैचिंग काफी अच्छी आपको दिखेगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने अमेजन से एक आर्टिफिशियल बैम्बू लिप भी मंगाई है, देख सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ गई है लगभग 350 रुपए पर, 350 रुपए के अनुसार से यदि आप देखें तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। नीचे आप डायगोनल शेप की बेस मिल जाती है, तो आप यदि इसको कहीं भी टेबल के ऊपर लगाते हैं या कहीं भी यदि इस तरह से आप डालते हैं तो यह जो है आपको एक अच्छा लुक देता है। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो यदि आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, काफी अच्छी प्रोडक्ट है। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब फाइनली इसे भी कर देते हैं हम अनबॉक्स। हमारी टेबल थोड़ी छोटी हो गई है, तो चलिए चलते हैं बड़े टेबल के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से इसका जो है डिजाइन आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं इस बड़े वाले टुकड़े में केवल आपको स्क्रू हैंगिंग करने के लिए दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर। इसके अलावा आपको कहीं भी स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है, यानी एक पीस को लगाने के लिए आपको केवल दो स्क्रू लगाने पड़ेंगे। ओके, सेम इसी तरह से इस सेट को भी लगाने के लिए आपको दो स्क्रू की जरूरत पड़ेगी जो कि इसके यहाँ पर और यहाँ पर लगेंगे। ओके, इसके अलावा इस छोटे छोटे टुकड़े में आपको कहीं भी कोई भी स्क्रू लगाने का पॉइंट नहीं दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर केवल हर एक टुकड़े में आपको दो कटिंग पॉइंट्स मिलते हैं, इसी कटिंग पॉइंट्स के माध्यम से आप इसके बड़े टुकड़े के जो कटिंग पॉइंट्स है इसको मिलाते हुए आप इसे वॉल के ऊपर लगा पाएंगे, जिसको कि हम लाइव जो है देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वॉल के पास जहाँ पर इस दोनों सेट को मैं लाइव आपके सामने लगाऊंगा और देखेंगे उसमें प्रोडक्ट डालने के बाद, गिफ्ट आइटम्स लगाने के बाद आपको किस तरह की लुकिंग देखने को मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन के लिए यहाँ पर दो सेट मंगाए हैं। इसके लिए फर्स्ट सेट के लिए देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो स्क्रू के लिए यहाँ पर होल किए हैं, साथ ही दो स्क्रू के लिए मैंने यहाँ पर होल किए हैं। इसको आपको थोड़ा सा जो है फर्स्ट यदि आप यहाँ पर लगाते हैं तो दूसरा आपको इसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा सा हटा करके देना है, उसके बाद ही आपको डिजाइन जो है समझ में आएगा। तो इसके लिए आप इसकी जो है पिक्चर वगैरह देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से इसकी शेप्स को डिजाइन देना है। अलग अलग तरह से आप डिजाइन यहाँ पर लगा सकते हैं।
हैं। ओके, तो मैं जो डिजाइन बता रहा हूं उसके हिसाब से जब मैं आपको लगाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको बड़ा वाला पीस लगाना पड़ेगा, साथ ही आपको ध्यान रखना होगा जो आपका स्क्रू का एरिया है वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा और यह जो कटिंग्स पॉइंट है वो आपके सामने होने चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको यहां पर इस तरह से ला करके और इस तरह से लगा देना है। तो यह स्क्रू में इस तरह से देख सकते हैं, यह जो है आराम से इसकी सेटिंग में बैठ जाएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपको डिफरेंट कलर के दो छोटे छोटे पीसेस को इस व्हाइट वाले पीस के ऊपर लगा देना है। इस छोटे वाले पीस में देख सकते हैं इसमें भी आपको कटिंग पॉइंट दिया गया है, तो इस दोनों कटिंग पॉइंट्स को आपको इस तरह से मिलाते हुए अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा इसको प्रेस करना होगा। दोनों कटिंग पॉइंट मिलने के बाद यह जो है इसकी सेटिंग में आराम से आ जाएगा। देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें प्रेस किया यह जो है इसके अंदर बिल्कुल सेट हो गया। सेम इसी तरह से आपको इसके इस पीस को भी लगा देना है। तो इस तरह से हमारा एक सेट बिल्कुल पूरा हो गया। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा है बड़ा वाले को व्हाइट कर दिया है और छोटे वाले पीस के साथ हमने रेड कलर को लगाया है। इसी तरह से फिर बड़ा वाला टुकड़ा जब हम रेड लेंगे तो उसके साथ जो छोटे छोटे पीसेस आएंगे वो व्हाइट कलर के होंगे। तो फ्रेंड्स जब आप दो पीस को इस तरह से मिलाएंगे तभी आपका डिजाइन इस तरह से निकल करके सामने आएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप यह प्रोडक्ट लें तो आपको दो अलग अलग कलर की एक एक सेट लेनी है। ओके, अब चलिए फ्रेंड्स जल्दी से मैं इसमें गिफ्ट आइटम भी सजा देता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने लिविंग रूम या वॉल को आकर्षक बना सकते हैं। यहां पर जितनी भी प्रोडक्ट आपको दिख रही है सभी के सभी मैंने अमेजन से मंगाए हैं, तो यदि आप भी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं अमेजन से। इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आई होप कि आपको हमारा यह सेटअप पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए।